धार जिले के मनावर तहसील में स्थित विश्व विख्यात अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में चल रहे ओवरलोड ट्रालों से मनावर खलघाट मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। कोई ग्रामीण घायल होता है तो किसी की मृत्यु हो जाती है, यह आम बात हो गई। हाल ही में एक ट्राला जो कि मनावर से इंदौर की ओर जाते समय ग्राम हनुमंतिया में नरेंद्र मालवीय के मकान में घुसा, जिसमें मकान और मकान में रखी लाखों रुपए की फसल नष्ट हो गई। लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। ग्राम हनुमंतिया में घटना रात्रि 10 बजे की है। ड्राइवर को गंभीर हालत में मनावर भर्ती किया। ग्रामीणों ने बताया अल्ट्राटेक ट्रालों से आए दिन जाम लगता है, जिससे दूसरे वाहन इन ट्रालों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और दुर्घटना कर देते हैं। मनावर से लोकेंद्र दरबार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेंद्र मालविया। कहाँ रहते हैं आप? ये हनुमंतिया। यह हादसा जो हुआ है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मेरा मकान टूटा हुआ, मेरे को पेमेंट पैसे चाहिए, और जो माल भी था 10 से 15 लाख का मेरा माल भरा हुआ था, 10 लाख का माल था और मकान टूट गया, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कुल कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा 10 लाख का। क्या मांग है शासन से आपकी? शासन से वो उचित कार्रवाई करो, मुआवजा दिलाया जाए। उचित कार्रवाई किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। कुल कितने क्विंटल गेहूँ भरे थे आपके? करीब होगा 100 टन ऊपर ही है गेहूँ तो अंदर तो। देख दो, देख। आपका परिचय? सलीम बादशाह हनुमतिया। क्या घटना हो गई है? ये घटना रात के 11 बजे टायर फूटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया, और मालिक का धर्म यह रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई, और आए दिन ये अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की वजह से ताले बहुत जोर शोर से चलते हैं, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान देना चाहिए और बाईपास निकलना चाहिए। आए दिन हादसे हो रहे हैं, वो तो ये बच गए तो जनहानि, आप उसका मकान आधे ज़्यादा पेंट होगा उसका, है 2-4-5 लाख रुपये का नुकसान, 5 लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ उसका। क्या कोई शासन से ये मांग है कि इसको ध्यान दे के बाईपास निकाला जाए, और ये इसके साथ उचित कार्रवाई हो, इसके साथ इंसाफ हो, माल भी खत्म होगा, मेरा माल भी भरा हुआ है, उचित मुआवजा मिले। इसके 100 क्विंटल गेहूँ तो खराब हो गए, सब मिट्टी मिल गई उसमें। भाई साहब आपका परिचय? रविंद्र पाटीदार। ये जो रात को हादसा हुआ, क्या मामला है? ये जब से अल्ट्राटेक फैक्ट्री मनावर के समीप हुई है, जब से हादसों का शहर मनावर हो गया है, और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी सामने पीछे आप देख रहे हैं कि रात्रि में इस मकान में एक ट्रक घुस गया है, जिससे पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में कोई जनहानि? जनहानि कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। आपकी कोई मांग शासन प्रशासन से? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि मनावर का बायपास हो जाए, और बायपास होने के साथ में जो तेज रफ्तार से जो ये ट्राले चल रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।